अभी फिलहाल हम तो चल ही रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर और दूर है यहाँ से, 253 किलोमीटर दूर है, मतलब टोटल 4 घंटे 20 मिनट के आसपास का टाइम दिखा रहा है कि पहुँचने में लगेगा। और सीन ये है कि हम जो गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि नक्सोन है तो वो भी पेट्रोल वेरिएंट है, तो उसका मतलब ऑब्वियस है कि डीजल जितना एवरेज नहीं निकलेगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा निकालूँ, क्योंकि एक्सप्रेस वे है मोस्टली, तो क्रूज़ होगा और क्रूजिंग टाइम पे ऑलमोस्ट स्पीड 60 70 के आसपास तो रहेगी, 70 80 के, और 5th to 6th गियर पे चला के वो इकोनॉमी मोड पे सेट करके चलेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी 14 था जब हम घर से चले थे, तो अभी 15 हो गया है, ठीक है। तो अपना टारगेट ये है कि लगभग 19 या 17, मतलब 18 से 20 तक पहुंच जाए, वही बहुत है, अगर ज़्यादा पहुंच जाए तो अच्छी बात है, वरना इतना तो हम ट्राई करेंगे ही। There's now congestion on the National Highway 48 causing the 11-minute delay. You will now arrive at 4:27 p.m. तो अभी हम मानेसर रोड पर हैं और चलो देखते हैं कार कैसे चल रही है, पूछते हैं ड्राइवर से। ड्राइवर नहीं, हस्बैंड हूँ मैं, यहाँ पर आज के लिए ड्राइवर हूँ। पूछते हैं कार कैसे चल रही है और बताइए सर, स्मूथ है कार ड्राइविंग में? एक्चुअली क्या है कि निक्सोन जो है ना, नेक्सोन और ब्रिजा स्पेशली, इन दो के जो सस्पेंशन है ये बेसिकली इंडियन रोड के हिसाब से ही ऐसे समझ लो कि डिज़ाइन किए गए हैं, ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है, और जो बम बम होते हैं ना वो बहुत कम फील होते हैं, ठीक है। और अदरवाइज जो बाकी सोनेट वोनेट है उन पर थोड़े ज़्यादा फील होता है, तो एकदम सस्पेंशन जो है वो काफ़ी सही है, ना ज़्यादा स्टिफ है ना ज़्यादा हार्ड है, एकदम नॉर्मल है। आप जब बम्प में जाओगे ना तो आपको कम ही थोड़ा बम्प महसूस होगा। और दूसरा ये है कि हैंडलिंग तो इसकी गजब है, अब बाकी कार चला लेना, एक्सेप्ट मैं बोलूँगा एक्सेप्ट इको स्पोर्ट, इस कार के हैंडलिंग को कोई और अदर कार टक्कर नहीं दे सकती। इको स्पोर्ट जो है, मतलब इको और स्पोर्ट और नैनो में ऐसा समझ लो कि 1950 और 2020 का डिफरेंस होगा, ठीक है, क्योंकि इको स्पोर्ट की हैंडलिंग नेक्सोन से कहीं ज़्यादा बेटर है, तो एक नंबर उसमें उसको मिलेगा। बट ये है, और साथ में ये है कि स्पेस ठीक है, जैसे अभी मेरे को ऑलमोस्ट गाड़ी चलाते चलाते लगभग हो गए हैं 2 घंटे, हाँ लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, ऑलमोस्ट 100-150 किलोमीटर चल दिए हम, तो मेरे को अभी इसको ना कोई किसी टाइप की कोई थकावट वकावट नहीं हो रही है, नॉर्मल एकदम गाड़ी चला रहा हूँ, तो सीट एकदम बहुत कंफर्टेबल है। और रही बात इसकी एसी की, तो वो भी काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि हमने इस वक्त वैसे, क्योंकि देखो इस वक्त भले ही सर्दी हो रही है, लेकिन इस वक्त टेम्परेचर आप में काफ़ी हाई होने लग गया है, 26-28 हो जाता है, तो मैंने अपनी गाड़ी में पर्सनली इसको 28 सेट कर रखा है, तो काफ़ी ओके है, और वो 1 पे ही चल रहा है, तो एसी की कोई इशू नहीं है, काफ़ी पावरफुल भी है, और हैंडलिंग तो इसकी खैर है ही गजब, तो कोई इशू नहीं है उसका। बाकी अभी जैसे जैसे देखते हैं, अभी ऑलमोस्ट लगभग 370-380 किलोमीटर के आसपास चल रहे हैं, तो फिर देखेंगे कि कितना लॉन्ग जर्नी पे और कंफर्टेबल और ज़्यादा रहती है कि नहीं रहती है, क्योंकि अभी तो ज़्यादा देर इतना ट्रैवल नहीं किया है, लगभग 1 से 1.5-2 घंटे हुए हैं, तो अभी तक तो कोई इशू है नहीं मेरे को, बाकी और आगे देखते हैं कि क्या होता है। और अगर हम पैसेंजर सीट की बात करें तो मैं भी कंफर्टेबल हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को फील हो रहा है कि मेरे लेग्स में थोड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन और बाकी कार्स के अकॉर्डिंग ये काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, आप आराम से बैठी हूँ मैं एक ही पोजीशन में, 1.5 आवर हो गया है और कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अब हम धारवेड़ा पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम अभी आगे नींद्राना की तरफ एन रूट कर रहे हैं, और अभी बीच में हम रेस्टोरेंट का स्टॉपेज लेंगे जो है ओल्ड्रा होटल। मैंने काफ़ी रेस्टोरेंट के बारे में सुना है कि काफ़ी अच्छा है और रीजनेबल प्राइस है, क्वालिटी अच्छी है, सर्विंग इनकी सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी हैं, तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। और ये इसने मेरे को बताया कि ओल्ड्रा होटल ना दो है, एक तो जो पीछे चला गया है, एक धारुवेड़ा के पास है जिसमें आपको हाईवे से यू टर्न लेना पड़ता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए, और अगर हम आगे नीमराना की साइड ही जा रहे हैं तो इनकी एक नई ब्रांच ओपन हुई है नीमराना साइड, तो हम लोगों ने सोचा हम उसी तरफ चलते हैं, यू टर्न लेके फिर बैक आएंगे, इससे अच्छा है हम सीधा ही जा रहे हैं तो हम वहीं पे स्टॉपेज लेंगे।